हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेन। आज हम बना रहे हैं दूध के लिए ड्राई फ्रूट्स पाउडर। यह हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे पीने से हमारे शरीर में जो भी मिनरल, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सब की कमी होती है वो पूरी होती है। रात को बस एक गिलास दूध में एक चम्मच डालो, ये हमें एनर्जी से भरपूर दूध मिलेगा। इसके लिए मैंने एक बाउल मखाने लिए हैं, 20 से 25 मैंने बादाम लिए हैं, 20 से 25 ही मैंने अखरोट लिए हैं और 3 टी स्पून मैंने पिस्ता लिए हैं। उसी प्रकार मैंने 20 काजू लिए हैं। 1 टी स्पून भरकर मैंने पोस्ता दाना लिया है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आधी टी स्पून मैंने मोटी वाली सौंफ ली है, ये हमारे फ्लेवर देगी हमारे दूध में। 4 मैंने इलायची ली है और आधी छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल होती है जो सुपारी के रूप में आती है उसे तोड़ कर लिया है। और 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने जावित्री के लिए, हमारे खुशबू और हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 20 धागे मैंने केसर के लिए हैं और 20 ही मैंने दखनी वाली काली मिर्च ली है, जो व्हाइट वाली काली मिर्च होती है, ये आँखों के लिए रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यदि आपके पास ये नहीं हो तो आप ब्लैक वाली काली मिर्च भी ले सकती हैं। और आधी टी स्पून मैंने सौंठ पाउडर लिया है। अब इन सबको हम रोस्ट करेंगे। एक मैंने पैन लिया है, सबसे पहले मैं अपने मखानों को रोस्ट करूंगी। रोस्ट करने से हमारे पाउडर की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है तो ये एब्जॉर्ब ड्राई हो जाएगा और ये हमारे बिल्कुल ड्राई मसाला बनेगा। खाने हमारे घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और इससे हमारे दूध में भी थोड़ी थिकनेस आएगी। इसे डालने से दूध में थोड़ी थिकनेस आएगी। मखाने रोस्ट हो गए, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अपने बादाम को रोस्ट करेंगे। में हम अपने अखरोट डाल देंगे, पिस्ता डाल देंगे, काजू को हम 2 मिनट बाद डालेंगे क्योंकि काजू जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। पहले हम इनको रोस्ट करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें अपने काजू डाल लेते हैं। अब इनको भी हम रोस्ट करके अलग प्लेट में निकाल लेंगे। बादाम, काजू, पिस्ता हमारे रोस्ट हो गए, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम अपनी खसखस को भी रोस्ट कर लेंगे, ये बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाती है। इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब ये हमारे मसाले हम रोस्ट करेंगे। ये हमने सौंफ ले ली, काली मिर्च ले ली, इलायची भी ले ली, जावित्री और जायफल भी हमने ले ली, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। हमने गैस बंद कर दी है, इसी टाइम हम अपनी केसर भी इसमें डाल देंगे, जिससे इसमें भी थोड़ा सा पानी हो या मॉइस्चर हो तो वो भी इसमें ड्राई हो जाएगा। अब इस सब को भी हम अपने ड्राई फ्रूट्स में ही डाल देते हैं। ये हमने सारे ड्राई फ्रूट्स और मसाले मिला लिए। अब इनको ठंडा होने पर हम इनको पीसेंगे, इनको ठंडा होने देते हैं। ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए, इनको हम अपने मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं और इनको हम पीसेंगे। अब इनको एकदम फाइन नहीं पीसेंगे, हम इन्हें थोड़ा दरदरा पीसेंगे, जिससे हम दूध में इनको डालेंगे तो हल्का हल्का सा ड्राई फ्रूट्स हमारे मुंह में आएगा पीते समय, तो बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके बच्चे कम पसंद करते हैं
ड्राई फ्रूट्स और मुंह में आए मतलब दूध में एकदम से हो तो आप इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लें। हमने इसमें मखाने डाले इसकी वजह से हमारा पेस्ट वो पाउडर अच्छे से बन जाएगा। और इसे हमें सिर्फ पल्स मोड पर ही चलाना है, ऑन ऑफ करके ही पीसना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स अपना ऑयल छोड़ देते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स पाउडर को हल्का दरदरा पीसा है। अब इसमें हम अपने जो सौंठ पाउडर है उसको भी डाल देंगे। अब इसको हम पीस लेंगे। और यदि आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स कम पसंद करते हो तो इसको फाइन पीस लें और इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दें, जिससे उनको ये लगेगा कि टेस्ट में कि कोको पाउडर है चॉकलेट वाला। तो उससे भी हमारा ये दूध पाउडर बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा पाउडर है। ये पाउडर मैंने पीस लिया है। इस प्रकार से आप भी पीस लेना, और यदि आप चाहें तो एकदम फाइन पीस लेना। यदि आप इसमें मखाने नहीं डालते तो ये हमारा ऑयल रिलीज कर देता, इसलिए हमने मखाने भी डाले जो हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारे दूध में भी थिकनेस आएगी। आप चाहें तो इसमें एक टीस्पून मिल्क पाउडर होता है वो भी डाल लें, जिससे हमारे दूध में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास तो आज है नहीं, लेकिन आपके पास हो मिल्क पाउडर तो आप इसमें एक टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालकर भी इसे ग्राइंड कर लें और बहुत अच्छा हमारे दूध में टेस्ट आएगा और थिकनेस आ जाएगी दूध में। दूध पाउडर को हम एयर टाइट डिब्बे में या जार में निकाल कर रख लेते हैं, ये हमारे महीनों तक खराब नहीं होगा। इसे एक बार बना लो आप महीनों तक, इसे रोज रात को एक चम्मच दूध डालकर पी सकते हैं। एक गिलास दूध में एक चम्मच आप भर के इसे डालिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे आप प्लीज़ दबाइए। और यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इस प्रकार हम अपने जार में इस मिल्क पाउडर को भर लेंगे। अगली रेसिपी में हम आपसे फिर मिलते हैं। जय जिनेन्द्र।